जो अपार्टमेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल घर होते हैं उसके अंदर जो विंडोज होती हैं स्लाइडिंग वाली, उधर आप देखते हो कि इतनी ज्यादा ना डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है और वो आप ना हाथ से कपड़े से भी नहीं उठती, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर से बहुत ईजिली उड़ जाएगी। Welcome to Indian Mom Studio। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ नए नए प्रोडक्ट्स के रिव्यू शेयर करती रहती हूँ, जिसे आप लोग भी बहुत पसंद करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ जो प्रोडक्ट रिव्यूज हैं ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहते होंगे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक नया प्रोडक्ट जो कि है वैक्यूम क्लीनर, और वैक्यूम क्लीनर के रिव्यू मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। एक्चुअली क्या होता है कि किसका कितना बजट है ये उस पर भी डिपेंड करता है। तो आज जो मैं वैक्यूम क्लीनर लेकर आई हूँ ये काफी बजट फ्रेंडली है, और इसके साथ जो एसेसरीज मिलती है ना वो बहुत ही सही है, मतलब ना तो ज्यादा है ना ही कम है। इसके साथ जो हमें अटैचमेंट्स मिलते हैं वो वाले हैं जो हम रेगुलर डेज में इस्तेमाल कर सके। तो गाइज ये है अगारो का बैगलेस वैक्यूम क्लीनर जो कि काफी हैंडी टैंडी है, और इसका मॉडल है आइकन, और ये बहुत इजी टू कैरी भी है और इजी टू मूव भी है। मतलब घर में किसी भी कोने पर आपको लेकर जाना है तो इसके अंदर व्हील लगे हुए हैं तो आप आराम से इधर उधर घुमा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों के साथ इसके कुछ फीचर्स बता देती हूँ, फिर उसके बाद उसका डेमोंस्ट्रेट भी करके दिखा देंगे हम। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये कितना क्यूट सा ब्लैक और रेड फिनिश में ये एक वैक्यूम क्लीनर है, छोटू सा है। वैक्यूम क्लीनर आपको यूनिट मिलता है इसमें, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका होस पाइप है जो कि स्वेल है, मतलब 360 डिग्रीज में आप घुमा सकते हो आराम से। इसके साथ आपको एक हैंडल भी मिलता है जिसमें आपको एक एयरफोर्स एडजस्टर भी मिलता है छोटा सा, अगर आपको इसका सक्शन कम और ज्यादा करना हो तो आप इस एडजस्टर के थ्रू कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक फुल मेटल वाली एक ट्यूब भी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो इस बटन से ऐसे करके। इसके साथ आपको एक फ्लोर ब्रश भी मिलता है जिससे आप कारपेट वगैरह क्लीन और हार्ड फ्लोर वगैरह ये सब क्लीन कर सकते हैं। ये जो आप इसका बटन देख रहे हैं इसके थ्रू आप इसके जो ये ब्रिसल्स है ना ये अंदर बाहर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड फ्लोर है तो उसपे आपको डस्टिंग करनी है या आपको क्लीनिंग करनी है तो आप इसको दबाएंगे पैर से, ये फुट ऑपरेटेड है, इसके ब्रिसल्स नीचे की साइड में आ जाएंगे और वो अच्छी तरीके से क्लीन कर पाएंगे। इस फ्लोर ब्रश में आपको ये व्हील्स मिलते हैं जिसकी वजह से इसे ग्लाइड करना सरफेस पे बहुत ईजी हो जाता है। इसके साथ आपको दो बहुत ही कमाल के अटैचमेंट मिलते हैं, एक है ये मल्टीपर्पज ब्रश जिसके थ्रू आप सोफे को कर्टेन्स को बहुत ईजिली क्लीन कर सकते हैं, डस्ट वगैरह हटाने में बहुत हेल्प करता है। ये इसकी क्रेविस नोजल है, ये क्या है जैसे सोफों के बीच में जगह होती है वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच पाता, कपड़ा नहीं पहुंच पाता, तो उसको क्लीन करने के लिए इजिली आप इसको इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद ये आपकी जो डस्ट है वो वहां से खींच लेगा। जितनी भी पतली और छोटी जगह होती है जो हार्ड टू रीच लोकेशंस होती है वहां पे ये जो क्रेविस नोजल है बहुत काम की है। अब इस होस पाइप को कैसे अटैच करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपको एक एरो दिखाई देगा, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर लगाना है। हाँ। और यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एरो जा रहा है वहीं पर आपको उस तरीके से घुमाना है और ये लॉक हो जाएगा, फिर निकलेगा नहीं जब भी आप कितनी भी सफाई कर लीजिए। ये इसका ऑन एंड ऑफ बटन है, इस तरीके से ऑन और ऑफ हो जाता है। और यहाँ पर जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ये सक्शन कंट्रोल नॉब है जिससे आप मिनिमम टू मैक्सिमम सक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कई जगह आपको ज्यादा सक्शन की जरूरत नहीं होती है तो आप इसको मिनिमम के पास में रख सकते हैं, और जहाँ पे मान लीजिए बहुत ज्यादा गंदगी है, काफी डस्ट है और आपको ज्यादा पावर की जरूरत है तो आप वहाँ पे इसे मैक्सिमम भी कर सकते हैं। और ये जो है ना इसका कॉर्ड रिवाइंड बटन है, इसको अगर आप प्रेस तो जितनी भी कॉर्ड बाहर निकली हुई है वो धीरे धीरे अपने आप ही अंदर चली जाएगी। इसकी कॉर्ड को खींच रहा है जो कि काफी अच्छी खासी लेंथ की है, 5 मीटर की है। और ध्यान रखिए जब आप कॉर्ड निकालेंगे तो इसमें एक रेड मार्क आएगा, इसका मतलब उसके आगे आपको नहीं खींचना है। इसके जो व्हील्स देख रहे हैं ना ये भी काफी बड़े हैं जिससे इधर उधर कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके पीछे भी आपको 360 डिग्री व्हील मिल रहा है, ये देखिए ये घुमाने में भी काफी इजी रहता है इससे। इससे क्या है ना किसी भी सरफेस पे आराम से इसे खींचना नहीं पड़ेगा, अपने आप जहाँ जहाँ आप जाओगे आपके पीछे पीछे चला जाएगा ये। इसके साथ जो ये मेटल ट्यूब मिल रही है ना ये देखिए कितनी लंबी हो जाती है, ऊंची सरफेस होती है ना जैसे कि छत वगैरह साफ करनी है वहां से जाले वगैरह कर्टेन ऊपर से साफ करने हैं तो आप इसको इसके साथ अटैच कर लीजिए तो आपको कोई भी सीढ़ी वीढ़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही अपने आप पहुंच जाएगा तक। तो इस तरीके से आप देखिए कितना ऊंचा हो गया ये। हाँ, तो आराम से कितनी भी ऊंची सरफेस पे जाना है आपको आप जा सकते हो, और आराम से जैसे वॉल वगैरह क्लीन करनी है, छत क्लीन करनी है, फैन क्लीन करना है, हाँ, बड़े आराम से हो जाएगा। इसके अंदर एक खास बात ये है कि एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर है, मतलब इसके अंदर कोई भी बैग का कोई झंझट नहीं है। इसमें बास्केट आती है जो कि इजी टू पुल है, आप देखिए कितनी इजीली निकल आई है, और वन बटन के पुश से ही, वन बटन यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया हुआ है, पुश करेंगे और ये नीचे की तरफ इस
तरीके से आप डस्टबिन में डाल सकते हो इसे। इतना इजी है, बहुत इजी है। इसके अंदर आपको दो हेपा फिल्टर मिलते हैं, एक हेपा फिल्टर ये है। अच्छा ध्यान रखना है कि हेपा फिल्टर को ना क्लीन करने के लिए कभी धोइए मत, ठीक है, क्योंकि वो खराब हो जाएगा। हेपा फिल्टर में आपको इस तरीके का एक हेपा फिल्टर मिलेगा और उसके ऊपर एक ये फोम फिल्टर मिलेगा। फिल्टर को आप साफ करने के लिए टूथब्रश होते हैं ना पुराने, उनसे भी साफ कर सकते हो, लेकिन कभी भी इस पे पानी मत डालिएगा। इजी तरीके से निकल के आता है, उसी इजी तरीके से ये वापस लग भी जाता है। ये देखिए ऐसे लग जाएगा, ये अब इसके अंदर लग गया है। तो मैंने कहा था ना आप लोगों को, इसके अंदर दो हेपा फिल्टर है। हेपा फिल्टर का काम क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स और जो भी जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया होते हैं मान लीजिए बैग में आ गए, तो वो वापस एनवायरनमेंट में, दोबारा आपके घर के एनवायरनमेंट में आने नहीं देता। तो दूसरा हेपा फिल्टर इसका यहाँ पे है, ये देखिए ऐसे निकल आएगा। ये है इसका कवर और ये है इसका दूसरा हेपा फिल्टर, ये देखिए। सेम इसको भी इसी तरीके से साफ करना, क्लीन करना है। आप देख सकते हो जो इसका सीवेल होज है उसके अंदर एक ये टाइप का बटन है जिसके थ्रू आप इसके सक्शन को कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो उस नॉब से भी कर सकते हैं, इससे भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको कहीं पे कम सक्शन चाहिए आप इसको ऐसे करके ओपन कर दीजिए, थोड़ा सा सक्शन इसका कम हो जाएगा। ये जो कॉम्पैक्ट वैक्यूम क्लीनर है इसकी पावर है 1600 वॉट और ये 24 KPA का सक्शन प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले मैं इसका ना क्रेविस टूल आपको दिखाता हूँ, जो क्रेविस नोजल है वो कितनी काम की है। जैसे जो अपार्टमेंट्स होते हैं और जो नॉर्मल घर होते हैं उसके अंदर जो विंडोज होती हैं स्लाइडिंग वाली, उधर आप देखते हो कि इतनी ज्यादा ना डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है और वो आप ना हाथ से कपड़े से भी नहीं उठती, लेकिन ये वैक्यूम क्लीनर से बहुत ईजिली उड़ जाएगी। सकते हो एक मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा जो जहां पे डस्ट इकट्ठी थी, जो कि ब्रश वगैरह से भी क्लीन नहीं होता है, वो बहुत ईजिली क्लीन हो गया। तो अब मैं आप लोगों को इसकी एक्सटेंडेड ट्यूब दिखा देता हूं। ये इसका ब्रश नोजल है, इससे आप कर्टेन वगैरह साफ कर सकते हो और सोफे साफ कर सकते हो। चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे गंदा हो रहा है तो मैं इसका फ्लोर ब्रश यूज करके फटाफट इसको क्लीन कर देता हूँ। तो गाइज इस वैक्यूम क्लीनर ने फटाफट सब कुछ क्लीन कर दिया। ये देखो कितनी ज्यादा डस्ट है और इजिली क्लीन भी हो गई। ये इसका हेपा फिल्टर आ गया जिसमें कि डस्ट है। तो गाइज आप लोगों ने देखा कितनी इजीली इसने पूरे घर को क्लीन कर दिया। तो गाइज आई होप आपको ये प्रोडक्ट का रिव्यू पसंद आया होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट रिव्यूज देना ना मेरे को भी पसंद है, बिकॉज कुछ टेक्निकल होता है ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक का पहले से ही बहुत शौक है। अगर आपको इस टाइप के प्रोडक्ट रिव्यू वीडियोस पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं कि अगर आप इन्हें खरीदो और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो वो भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी इस तरह की वीडियोस को चेक करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस प्रोडक्ट का जो लिंक है ना वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको बाय करना है, चेकआउट करना है अमेजोन पेज पे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। बिल्कुल, चलिए बाय बाय बाय।